यादव समाज के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सुहासरा के प्रथम विधायक स्वर्गीय धनीराम सागर की 122वीं जयंती के अवसर पर यादव महासभा द्वारा उन्हें याद किया गया। यादव महासभा द्वारा प्रातः यादव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक स्थल पर जयंती समारोह का आयोजन रखा गया। इस दौरान ज्ञान मंदिर महाविद्यालय स्थित शहीद पार्क पर स्वर्गीय धनीराम सागर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। कार्यक्रम में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, पूर्व विधायक नंद किशोर पटेल, डॉक्टर संपत स्वरूप जाजू कांग्रेस के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष राजकुमार अहिर, उमराव सिंह गुज्जर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजेश सक्सेना सहित यादव महासभा के पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इस दौरान सभी ने यादव समाज के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी धनी राम सागर की जयंती के अवसर पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। आज यादव समाज के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय धनी राम जी सागर साहब की 122वीं जयंती है। यादव महासभा द्वारा यहाँ जयंती समारोह रखा गया, जिसमें विधायक श्री दिलीप सिंह जी परियार, पूर्व विधायक श्री नंदकिशोर जी पटेल, डॉक्टर जाजू साहब सहित कांग्रेस भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता आए। सभी ने पुष्पांजलि अर्पित की, पहले प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, फिर यहाँ समारोह में शामिल हुए और स्वर्गीय धनीराम जी सागर के कार्यों को याद किया। स्वर्गीय धनीराम जी सागर नीमच में यादव समाज के एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, जिन्होंने नीमच में कांग्रेस की स्थापना की। 1931 में वे नीमच मंसूर अविभाजित कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे, उसके बाद वे सुहासरा के प्रथम एमएलए रहे और लगातार उनके नेतृत्व में यादव समाज ने आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया और 11 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत सरकार ने घोषित किए, जिनका नेतृत्व धनीराम जी सागर साहब ने किया। धनीराम जी सागर साहब के नेतृत्व में ही यादव समाज की 6 महिलाएं और 5 पुरुषों ने आज़ादी के आंदोलन में भाग लेकर अपने जीवन को समर्पित किया और उन्हीं की स्मृति में हम नीमच में इसी स्थान पर यहाँ यादव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक बना रहे का कार्य चल रहा है, जो 26 जनवरी तक पूर्ण हो जाएगा और यह नीमच शहर की जनता को समर्पित होगा। यह ऐसा स्मारक होगा जो यादव समाज के हमारे जो वीर योद्धाएँ उनकी वीर कहानियों का गवाह रहेगा और आज़ादी की लड़ाई और जो असमानता के विरुद्ध जो लड़ाई है उसका साक्षी बनेगा। स्वर्गीय धनीराम जी सागर की जयंती के अवसर पर यादव समाज नीमच द्वारा यह पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस अवसर पर मैं स्वर्गीय धनीराम जी सागर को मेरी ओर से और हमारे सब साथियों की ओर से नमन करता हूँ। निश्चित रूप से नीमच की माटी का गौरव रहा है कि नीमच नगर ने 33 स्वतंत्रता संग्राम दिए हैं और उस संग्राम सेनानी दिए हैं, उसमें से 11 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या नीमच यादव समाज के थे। निश्चित रूप से ये लिए हमारे नगरवासियों के लिए गौरव की बात है। आदरणीय सागर साहब का जीवन बहुत संघर्षमय और प्रेरणादायक रहा। उस समय में उन्होंने जब वाहन भी नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, जगह जगह घूमकर, अभी जैसा वक्ताओं ने बताया, इंदौर जे अजमेर वगैरह बिना वाहन के वो जाते थे और आंदोलन की रूपरेखा तैयार करते थे और प्रचार करते थे। निश्चित रूप से उनका समाज में और देश के लिए योगदान अविस्मरणीय है। मैं पुनः इस अवसर पर सादर नमन करता हूँ। नीमच से आसिफ अली की रिपोर्ट।